वही बात स्टैटिस्टिक्स पर होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको डाटा दिए जाते हैं और उसके अंदर देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डाटा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर आपके अर्थमेटिक मीन होते हैं, मीडियन होते हैं, मोड होते हैं। ये थ्री टाइप्स के होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कभी कभी इसी पर क्वेश्चन पूछ ले जाता है। ओके, और यहाँ पर आगे बात होती है इसके अंदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन पर, जिसमें रेंज क्वार ठीक है आता है, मीन डिविजन आता है, स्टैंडर्ड डिविजन आता है। रेंज के अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर देते हैं, आंसर आ जाता है। मीन डिविएशन में आप करते क्या हैं, पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। ओके, और फिर उसके बाद सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिविएशंस फ्रॉम ए। यहाँ पर ये जो ए है वो मीन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी सेंट्रल वैल्यू हो सकता है। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मीन डिविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। सबसे पहले आप क्या करते हैं इसमें, स्टेप नंबर वन, आपके पास टोटल एन ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन, एक्स एन, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा उसको सुनो। अब यहाँ पर मीन डिविजन अबाउट मीन या मीडियन, कैलकुलेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच वी आर टू फाइंड मीन। ठीक है, डिविएशन लेट इट ए, आपका ये आ गया। अब इसके बाद डिविएशंस ऑफ ईच एक्स आई फ्रॉम ए, दैट इज एक्स वन माइनस ए, एक्स टू माइनस ए, एक्स थ्री माइनस ए एंड सो वन, एक्स एन माइनस ए। चलो क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आता है। एग्जाम्पल नंबर वन, यहाँ पर मीन डिविएशन अबाउट मीन, तो जितने ऑब्जर्वेशंस हैं इसका मीन निकालेंगे। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, सबका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंसर नाइन। ओके, अब आप डिविएशंस आप फाइंड करेंगे आप द रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, दैट इज एक्स आई माइनस एक्स बार। वो इस तरीके से आएगा, माइनस थ्री, माइनस टू, वन, थ्री, फोर, माइनस फाइव, माइनस वन, थ्री। आप इसका मॉड ले लेंगे, इसको पॉजिटिव बना लेंगे और फिर ये अब जो आपके आपके आए हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डिविएशंस, इसका मीन निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे तो जो होगा वो मीन डिविएशन होगा। सबको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर टू में फाइंड द मीन डिविजन अबाउट मीन, ये भी आप एक एग्जांपल देख लो। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो हैं वो 20 हैं, सबको ऐड करोगे 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करोगे, आंसर 10। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालोगे, फिर से जो आएगा उसका इस बार यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू लिया गया है, माइनस माइनस उसको भी प्लस में रखा गया है। सबका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन डिविएशन। ओके, एग्जांपल नंबर थ्री, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अब आप मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बताना है। पहले इसका मतलब पहले मीडियन निकाला जाएगा। मीडियन निकालने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको अरेंज करेंगे आप डाटा इंटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में है रखा गया है, थ्री, थ्री, फोर, फाइव, सेवन, नाइन, टेन, 12, 18, 19, 21। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 हैं जो कि ऑड है, उसमें एक ऐड करेंगे, उस डिवाइड करा देंगे तो आपका आ जाएगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, जो होगा वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, अब इस बार एक्स आई माइनस मीडियन का मॉड, फिर उसके बाद ये आपका ऑब्जर्वेशन आ गया, टोटल ऐड करेंगे, सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। अब बात चलेगी ग्रुप डाटा, मीन डिविजन फॉर ग्रुप डाटा।
ग्रुप डाटा में एक डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिस्क्रीट पर बात करेंगे। इसके लिए मीन डिवीजन का फार्मूला, इसके लिए यहाँ पर मीन का फार्मूला ये है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन कैपिटल एन। कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ जितने फ्रिक्वेंसी का सम जो होगा वो कैपिटल एन होता है। ओके, मेन डिवीजन का फार्मूला यहाँ पर सिग्मा एफ आई, इसे हम डी आई भी बोलते हैं, एफ आई डी आई वन अपान एन। ओके, इस तरीके से अगर अबाउट मीडियन की बात, ये तो मेन के रेफरेंस में बात हुआ, यहाँ मेन का फार्मूला है। जब मीडियन के अबाउट बात की जाएगी तो इसके लिए ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ठीक है, जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे निकालेंगे। अब जैसे देखो एग्जांपल नंबर फोर में मीन डिवीजन अबाउट मीन, तो कहने मतलब इसका पहले मीन निकाला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो पहला रो है उसको पहले कॉलम रखेंगे और जो यहाँ पर दूसरा रो है फ्रिक्वेंसी उसको दूसरे कॉलम पर, तीसरा कॉलम एफ आई एक्स आई बनाएंगे। ओके, इसका सम करेंगे 300 आएगा, एफ आई का सम करेंगे 400 आएगा, 300 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो मीन निकल के आ जाएगा 7.5। ओके, एक्स आई में से एक्स बार को सबट्रैक्ट कराएंगे और मॉड रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसे आप डी आई भी कह सकते हो। ठीक है, ये डी आई। अब उसके बाद एफ आई डी आई, यहाँ पर एफ आई है, एफ आई डी आई निकालेंगे। ओके, एक कॉलम और बनाएंगे, इसका सम करेंगे 92 आएगा। अब इस 92 में नंबर ऑफ कैपिटल एन जो है 40 से डिवाइड करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा मीन डिविएशन अबाउट मीन। ओके, एग्जांपल नंबर फाइव में आपको मीन डिविएशन अबाउट मीडियन बात कर रहा है। ठीक है, जब मीडियन फाइंड करने के लिए कर रहा है, यहाँ पर इस बार आपका ये जो है डाटा जो है वह डिस्क्रीट है। ठीक है, इसमें एफ आई भी है, तो जब भी ऐसा हो तुरंत आप एक रो और बना लेंगे, वो कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी का होगा। उसमें पहले इस थ्री को लिखेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, फिर और ऐड करके लिखेंगे, फिर और ऐड करके लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐड करके लिखेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करके लिखेंगे, ऐसे इसको ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में ये जो आ गया है ये आपका एन है, एन इक्वल टू 30। ओके, जो कि इवन है, इसको डिवाइड कराएंगे। ठीक है, इसमें दो आएंगे, एक तो 15 था आएगा, 30 को 2 से डिवाइड कराओ कितना आएगा, 15 आएगा, 15th ऑब्जर्वेशन, और एक इसके आगे वाला 16th ऑब्जर्वेशन, फिर दोनों का मीन। ठीक है, तो कितना आएगा, 13 आएगा। 15th ऑब्जर्वेशन पर, 15th ऑब्जर्वेशन किस में आएगा, यहाँ 18 माए पे, इस 18 पर आपको 13 मिलेगा। ठीक है, 16th भी इसी ऑब्जर्वेशन में आएगा, इस पर भी 13 मिलेगा, 13 प्लस 13 अपॉन 2, यानी कि उसका मीन 13 ही आएगा। यहाँ पर लिखा गया मीडियन इज द मीन आप 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन। ओके, ये आपका 13 आ गया। फिर उसके बाद आपका डी आई बनाएंगे, एक्स आई माइनस एम का बार। ठीक है, डी आई फिर एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, एफ आई डी आई। ओके, इनका सम आएगा आपका 149, और फिर इसको नंबर ऑफ कैपिटल एन कितना है, देखो कैपिटल एन आपका 30 है, तो 30 से डिवाइड करा देंगे तो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूस वाले पर। इसमें आपका जो है ये जो फर्स्ट रो दिया गया है उसको फर्स्ट कॉलम में रखेंगे और इसको आप सेकंड कॉलम में रखेंगे, इसे एफ आई बोलेंगे। ठीक है, जो मार्क्स ऑब्टेंड है यहाँ से मिड पॉइंट लिखा जाएगा एक्स आई, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 आएगा। फिर इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो 10 का ऐड करते हुए चले जाएँगे आप। ओके, ये आपका एक्स आई आ गया। अब क्वेश्चन प्रीवियस की तरह हो गया, एफ आई एक्स आई कॉलम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका सम करेंगे, 1800 आएगा डिवाइड बाई 40, एक्स बार आ जाएगा। ओके, 45, जब 45 एक्स बार आ गया तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड निकालेंगे, इसमें एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका ऐड करेंगे 400 होगा, 400 में 40 से डिवाइड कराएंगे तो आपका मीन डिविजन अबाउट मीन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका इसमें जो है शॉर्टकट मेथड से भी है। शॉर्टकट मेथड में डी, आप ये फार्मूला याद रखें, एक्स इजिकल टू एक्स बार इजिकल टू ए, जो है एज्यूम्ड मीन है, सिग्मा एफ आई डी आई
अपॉन कैपिटल एन मल्टीप्लाई एच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है तो है एच होता है, ठीक है। यहाँ पर जो डी आई निकाला जाएगा एक्स आई माइनस 45, यहाँ पर इसे एच जून मीन बोले हैं 45 को, जनरली जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी को बोला जाता है, ठीक है। डी आई निकाल लेंगे, डी आई एफ आई डी आई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर देखो आपका 45 आंसर आएगा, जो कि एच जून मीन जो हमने लिया था वही हमारा एक्स बार रियल में आ गया है, ठीक है। तो प्रोसेस वही है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 पाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में मेन डिवीजन अबाउट मीडियन, ओके। यहाँ पर मीडियन फाइंड करना थोड़ा सा अलग है, वो कैसे है ध्यान दे जरा। यहाँ पर ये आपका है क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60 फ्रिक्वेंसी आपको दे दिया गया है। फ्रिक्वेंसी आप लिख लेंगे सेकंड कॉलम में, आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलेंगे 6, इसको एज इट इज लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर और ऐड करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखते जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 50, जो इसे आप कैपिटल एन कहेंगे। कैपिटल एन कितना गया, 50 आ गया। ऐसे भी ऐड करेंगे तब भी 50 आएगा, यहाँ पर भी जो नंबर आएगा वो भी 50 ही आएगा, इसका सम के इक्वल, ओके। ये तो हो गया आपका, आपको मीन डिवीजन फाइंड करना है, ओके। अब यहाँ पर एक फार्मूला है मीडियन निकालने के लिए, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मीडियन के लिए। तो ये जो यहाँ पर आपका 50 आया है, इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। 25 टर्म किस में लाइज करेगा, देखो द क्लास इंटरवल कंटेनिंग एन अपॉन टू एथ या फिर 25, ठीक है। 25th आइटम इज 20 to 30, ओके। therefore 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। तो बेटा जी इसको हम एक मीडियन क्लास को 20 to 30 ये ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसे आप L कहेंगे, इसे आप C कहेंगे, इसे आप F कहेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे आप H कहेंगे। ये सारे रिजल्ट यहाँ पर ले जाकर रख देंगे तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। मीडियन निकल के आ जाएगा कितना, 28। जब 28 मीडियन आ जाएगा तो आप XI का मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, ठीक है। अब XI माइनस मीडियन का मॉड आ जाएगा, या FI के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 508 आएगा। 508 में नंबर ऑफ कैपिटल एन जो है आपका है 50, उसे डिवाइड करा देंगे, आपका आ जाएगा मीन डिवीजन अबाउट मीडियन, ओके। इस तरीके से ये आपका मीन डिवीजन हो गया। मीन डिवीजन के बाद हमारा आता है वेरिएंस। वेरिएंस की ये डिफिनीशन है, फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला है, तो अगर इसका रूट लेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखो आपको ऑब्जर्वेशन से दिए गए हैं, अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले आप इसमें आपको मीन ही निकालना जाएगा और कोई चीज़ नहीं निकालते, इसमें मीडियन नहीं निकालते हैं, केवल मीन के अकॉर्डिंग ही बात चलेगी, ओके। तो ये जो भी आपके डाटा दिए गए हैं इसका मीन निकालेंगे, यानी इसका एक्स बार निकालेंगे, इसका एक्स बार निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे ठीक है, सबको ऐड करेंगे, टोटल नंबर आप ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15, ओके। अब इसके बाद आप एक्स आई माइनस एक्स बार, देखो यहाँ फार्मूला है एक्स आई माइनस एक्स बार, मीन आपका आ गया, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, ये एक्स माइनस एक्स बार आएगा। इस बार इसको मॉड नहीं लगाना है, होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर 330 आएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, आपका वेरियंस आ जाएगा जी। जो वेरियंस आया है इसका रूट लेने पर स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, ओके। ये तो अनग्रुप डाटा के लिए था। ग्रुप डाटा में क्या करते हैं आप, जो भी आपके दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक्स आई दिया गया है पहले कॉलम पर रखेंगे, या फाई दिया गया दूसरे कॉलम पर रखेंगे, या फाई एक्स आई करेंगे मल्टीप्लाई, या आपका 420 आएगा, 420 30 से डिवाइड कराएंगे तो एक्स बार निकल के आ जाएगा। जैसे ही आपका एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार कितना आएगा देखो, ऐड करें 420 अपॉन 30 आएगा 14 आएगा, एक्स बार आपका 14 आ जाएगा।
अब फोर, अब एक्स आई आपका ये है फोर है, फोर में से 14 को सबट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। और फिर जो आएगा वो आएगा माइनस 10 आएगा, तो माइनस 10 उसका होल स्क्वायर कर देंगे 100। यही यहाँ ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 8 में से 14 को सबट्रैक्ट कराएंगे, जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ये माइनस 3 आएगा होल स्क्वायर, फिर ऐसे इस तरीके से आपको ये रिजल्ट एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी है इसलिए फ्रिक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और फिर उसके बाद जो सब आएंगे आपके रिजल्ट सबको ऐड कर लेंगे। ऐड कराने के बाद आपका ऐड करने को कितना आया 1374। अब इसको डिवाइड करा देंगे बेटा जी, ये आपका आ गया 1374। इसको नंबर आप कैपिटल एन से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। ये आपका आ जाएगा वेरियंस, इसका रूट लेंगे, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एग्जांपल 10 पर। एग्जांपल 10 में आपको मीन फाइंड करना है, वेरियंस फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी ये आपका क्लास आ गया पहले कॉलम पर, ये पहला रो पहले कॉलम पर आ गया, दूसरा रो दूसरे कॉलम पर आ गया, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लेंगे, 30-40 का मिड पॉइंट 35। आप 10-10 को ऐड करते चले जाएँ आप, क्योंकि इन सब के बीच में 10 का डिफरेंस है। 10-10 ऐड करते जाएंगे, 45-55-65-75-85-95, ठीक है। अब या फाई एक्स आई का कॉलम बना लेंगे, मल्टीप्लाई करा कर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। सबको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा 3150 से डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा मीन एक्स बार आ जाएगा, ओके। अब एक्स बार आ गया तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, ओके। अब इसमें आपको एफ आई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका कॉलम आ गया, सबको मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद ऐड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। इसमें आपको क्या करना है, 50 से डिवाइड करा दीजिए, कैपिटल एन आपका 50 है, इसको डिवाइड करा दिए तो ये आपका आ गया वेरियंस 201। हमें देखो वेरियंस भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है, इसका रूट ले लेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके।